ऐसे। तो मैं लगी प्रैक्टिस। इसको पीछे वाले इधर, हाँ इसको दोबारा A5 B5 5। यहाँ से तो खराब कर, जब तो यहाँ से वापस आता है ना A5 B5 C6 A5 ब्लैक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन एंड व्लॉग्स। अब तीनों को लेके जाना A5 A5। जी गाइस, हम मैमी की तरफ गई हुई थी तो वहाँ पे जो है ना मोहम्मद आरिफ जो है ना अपनी आनी से प्रैक्टिस कर रहा था। ये वैसे बस वो बैठे हुए थे तो एकदम जब कहते हैं ना कोई चीज़ सोचती है, चलो आओ जी ये काम करते हैं, वो उसको मेरी सिस्टर को वो आते थे तो कहते हैं मैंने भी ये सीखना है, तो आरिफ साहब जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा जी, ये दिन का टाइम है, अपना व्लॉग मैंने दिन से स्टार्ट किया है और आज है संडे का दिन। मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड किया है और यहाँ पे जी जो सारिक हैं, सारिक रिज़ल्ट जो कि आ चुका था, तो यहाँ पे जो मैं इसको एंट्री टेस्ट दिलाने के लिए लेके आई हूँ वो है सदीप पब्लिक का। तो दो तीन मेरा माइंड है कि तीन स्कूल में मैं इसको जो है ना वो एंट्री टेस्ट दिलाऊँ फॉर क्लास वन, उनमें जो है वो सिल्वर ऑक्स हैं और सदीक पब्लिक हैं एंड APS आर्मी पब्लिक स्कूल। तो बस कन्फ्यूजन सी थी क्योंकि बड़ा बेटा जो है ना वो सिल्वर ऑक्स में पढ़ते, तो माशाल्लाह ही इज़ गोइंग वेल और अच्छी पढ़ाई है, सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मेरा ये माइंड भी था कि चले जी मैं एक बेटे को थोड़ा डिफरेंट फील्ड में डालती हूँ, क्योंकि बच्चे को जब शुरू से किसी फील्ड में डाला जाए ना तो मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है कि हमने बड़े होकर ये ऐसा बनना है या ये बनना है, अपना वो फ्यूचर प्लान कर लेता है। तो मेरे माइंड में ये था कि चले मैं सारे को जो आर्मी वाली फील्ड पे लेके जाती हूँ, ख्वाब तो बहुत देखे हैं बच्चों के लिए अच्छे और कोशिश भी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है ना हमें जो है हिम्मत दे, ताकत दे और मेरे बच्चों को कामयाब करे, बल्कि सबके बच्चों को, जो जो पेरेंट्स मेहनत करे अपने बच्चों के लिए उन सबको कामयाब करे। तो यहाँ पर मैं इसको एंट्री टेस्ट दिलाने के लिए लाई थी, बहुत रश था और शाम का टाइम था, 3 बजे उसको मैंने ड्रॉप किया था और 5 बजे हम उसको पिक करने के लिए आए थे। और मैंने आपसे बताया था काफ़ी टाइम हो गया मैं मम्मी की नहीं गई थी, जब मैं 2-3 दिन पहले गई बच्चों का रिजल्ट आया, तो बस मैं थोड़े से टाइम के लिए गई थी, तकरीबन 2-3 घंटों के लिए, तो स्टे के लिए मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई थी, तो सोचा कि चले आज लगे हाथों जाने ये काम भी मुका लेते हैं कि चलो अम्मी के घर से हो आते हैं। एक रात का स्टे मैंने करना था लेकिन वो बाय चांस 2 दिन का हो गया, लेकिन मैं आपसे जो है ना इन दोनों व्लॉग्स शेयर करूँगी दोनों दिन के। तो यहाँ पर जो हम सारिक साहब जो है एंट्री टेस्ट दे के आए, माशाल्लाह कह रहा था कि मामा मेरा अच्छा हो गया टेस्ट, तो लेट्स सी अब क्या रिज़ल्ट आता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो पास कर लेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये कि बस चले बेशक मैं सदी पब्लिक में डालूँ या ना डालूँ, लेकिन बच्चे को एक्सपीरियंस हो जाता है, उसमें कॉन्फिडेंट डेवलप होता है कि हमने कहीं जाके टेस्ट एंट्री टेस्ट देना है। तो अपने स्कूल में तो बच्चा देते रहता है कि जब किसी दूसरे स्कूल में जाके देता है तो वो उसके लिए थोड़ा सा इम्तिहान होता है, वो भी स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, उनको अकेले छोड़ कर आना, एक नई जगह पर छोड़ कर आना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सारा कुछ। तो कहता है कि मामा मैंने जो है ना दही भले खाना है, तो हमने सोचा चले मैं यहाँ से अम्मी के घर जाऊँगी और मैं जो है ना उबर या क्रीम कुछ करूँगी, पिक करूँगी वहाँ से, फिर हम क्रीम पिक किया उबर पिक करके फिर मैं जाऊँगी अम्मी के। तो यहाँ पे जो सारिक साहब की फरमाइश पे हमने बस वैसे टेम्प्रेरी साइज एज अ स्नैक हम इसको ले रहे थे, मैंने दही भले थोड़े से लिए थे, तो जुरान साहब कहते हैं मामा मैंने भी दही भले खाने हैं। तो मेरे बच्चे जो मीठे दही भले जो है ना गोलगप्पे खुशी से खाते हैं, तो सुबह ही कहता है मम्मा जब नानों के जाएंगे तो वहाँ से पहले हम ना मार्केट से कुछ खा लेंगे, तो मैंने गोलगप्पे खाने हैं। तो जो वहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे, और बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ही जैसे बोलते हैं ना खिला खिला सा मौसम था, फ्रेश, इतनी मज़े की हवा चल रही थी कि मतलब ऐसा फील हो रहा था कि यार हम ये देखें मतलब पत्ते हिल रहे थे, इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था और इतना अच्छा मतलब खुली फिज़ा में जब सांस लेते हो ना तो बहुत अच्छा फील करते हो। वो भी मैं बच्चों के पेपर्स के बाद अभी बाहर निकली थी, तो मैं बस जो है ना बहुत अच्छा मुझे लग रहा था, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये इन्वायरमेंट शेयर किया जाए। और ये हम कमर्शियल मार्केट में बैठे हैं रावलपिंडी में और हम लोग यहाँ पे फुटपाथ पे बैठ के दही भले खा रहे हैं, और यकीन करें ये भी एक तरह की इंजॉयमेंट होती है, रेस्टोरेंट में बैठ के खाते रहते हैं हम लोग, तो मतलब एक बाहर चौक पे बैठ के खाना इसका एक अपना ही मज़ा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ बैठ के खाना इसकी एक अलग इंजॉयमेंट है। जी यहाँ पे मॉम के घर हमारी हाज़िरी लग चुकी है, हाज़िरी मतलब कि एंट्रेंस हो गई है, एंट्री हो गई है,
तो जी यहाँ पे हमने कुछ जूस वूस पिया, फिर यहाँ पे वही पियानो वाला काम शुरू हो गया था, तो फिर मैं वो क्लिप दोबारा आपसे शेयर नहीं कर रही क्योंकि वो ऑलरेडी मैं वीडियो के स्टार्ट में कर चुकी हूँ। तो जी सोचा कि आपको छोटा सा किचन का विजिट कराया जाए। मॉम के घर जाती तो और बहुत से कामों में बंदा बिजी हो जाता है, बातों में और इधर उधर, तो वीडियो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा सा टाइम मॉम के साथ स्पेंड बंदा करता है तो वो भी वीडियो बनाने में लगे तो अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, थोड़ा स्लो बोलती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं आपको किचन का विजिट करा रही हूँ और मॉम बनाए थे यहाँ पर मीठे चावल, और मॉम के हाथ के मीठे चावल, आई लव इट। तो उन्होंने मुझे जो मीठे चावल भेजे थे, अब मैंने शॉर्ट से वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो वो और मैं और यासिर वो रात को ना अक्सर गर्म करके थोड़े थोड़े खाते रहे, मैं तो थोड़ा सा टेस्ट करती थी। तो मॉम दोबारा आज मीठे चावल बना रही है। यहाँ पे मेरा मोस्ट फेवरेट अम्मी के हाथ का चिकन कोरमा बन रहा है, और वो भी बड़े बड़े आलू डाल के। तो बड़े बड़े आलू ना वो बहुत मज़ा करते हैं बिरयानी में भी और कोरमा में भी। तो यहाँ पे जो है मॉम मीठे चावल बना रही हैं और दूसरी साइड पे बन रहा है जी चिकन कोरमा, तकरीबन रेडी हो चुका और बहुत मज़े का बना था। और मैंने जो है ना पूरी रोटी खाई थी, कोई मैंने जो है ना परहेज शरेज नहीं किया था, तो मैंने फुल रोटी खाई थी जी, बहुत मज़ा आया था जी। खाना वगैरह खा के हम फारिग हो चुके हैं और जोरान साहब की नज़र जो है वो स्ट्रॉबेरी की बास्केट पर पड़ गई है, और ये देखें ये कैमरा देख के कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होकर, वैसे भी माशाल्लाह खाने पीने का शौकीन है, स्ट्रॉबेरी तो इसकी मोस्ट फेवरेट है। तो इसका मिल्क शेक नहीं पीता, जब स्ट्रॉबेरी हो जाए फ्रूट्स इसको पसंद है तो बस जब देख लेता तो बस खाता है। स्पेशली जो है ना अमरूद भी इसको बहुत पसंद है, तो मैं जो है ना इसके लिए कुछ ना कुछ मंगवा के रखती हूँ। ये दे खाने के बाद भी इसके ये हालात हैं। तो जी बस मैंने इतना आज का रिकॉर्ड नहीं मैंने आज का व्लॉग बनाया है, और सेकंड डे का भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सेकंड डे हमने जाना है शॉपिंग पे, तो मैं शॉपिंग का ही शेयर करूँगी, घर पे मैंने इतना ख़ास व्लॉग नहीं बनाया था। और चले जी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और दो में याद रखिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।